बालासोर रेल हादसे के बाद परिचालन दोबारा शुरू करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी। झारखंड के यात्रियों के इलाज और सहायता के लिए उड़ीसा भेजी जा रही विशेष टीम। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड और आवास बोर्ड में की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी। धनबाद में पुलिस ने अपराधी गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। खूंटी के सायको थाना क्षेत्र से 2 नक्सली पकड़ाए। पश्चिमी सिंहभूम से आईईडी और स्पाइक होल बरामद। और जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व ग्रीन एथॉन का हुआ आयोजन। लौह नगरी के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, धरती को हरा भरा रखने का लिया संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हुरियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के बालासोर में बहनागा रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि इंजन का जो वजन होता है वो काफी ज्यादा होता है। बड़े बड़े उपकरण लगते हैं, कई क्रेन भी इसमें लगे हुए हैं, जेसीबी और हैवी जो उपकरण है उसके जरिए जो उनको हटाया जा रहा है। मैन पावर की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों के मैन पावर कम नहीं होता इन चीजों को हटाने के लिए। और ये 1000 तो यहाँ पे मैन पावर दिख रहा है, इसके साथ साथ जो उपकरण आप समझिए जो हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, क्रेन यूज किया जा रहा है, उनके जरिए जो है लगातार आप समझ सकते हैं कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से, रेस्क्यू के बाद से ही लगातार ये जो प्रक्रिया है रिस्टोरेशन इस रूट का, उसके लिए जो है तमाम जो आप तैयारी है जो काम है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और अभी फिलहाल जो है जब इन तीनों जो बोगियां हैं इनको हटाने के बाद जो है अब इसके बाद जो काम शुरू होगा वो है इस ट्रैक का की मरम्मती का, क्योंकि आपने देखा तस्वीरों में देखा कि पूरे ट्रैक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पटरियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट गई है। कई पटरियां तो इस तरीके से गोलाकार हो गई हैं, क्योंकि डिरेलमेंट के कारण, वजन के कारण जो है, तो ये पूरा ट्रैक को जो है वहां तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक होगा इसको पूरा चेक करके इसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे नई पटरियां डाली जाएंगी जो मजबूत हो, और उसके बाद उसे लिंक किया जाएगा, उसके बाद जो है उसको टेस्टिंग होगी उस पर जो है जो एक प्लान ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें। विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स है, एजेंसीज है, कनेक्ट कर रहे हैं। जी जी, विजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यहां पर जो मरम्मत कार्य है वो जारी है। प्रधानमंत्री भी लगातार इस पूरे सिचुएशन पर, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। हमने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा, मनसुख मांडविया ने भी, स्वास्थ्य मंत्री ने भी, जो हाई लेवल डॉक्टर्स की टीम है उसके साथ एक समीक्षा बैठक की। किस तरह से विभिन्न अस्पतालों में जो हताहत हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, घायल लोग हैं, उनका इलाज जारी है, इस पर नजर बनाई जा रही है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो किस तरह से उसे अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए, क्या किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, उसके लिए भी खासतौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली से यहां पर विशेषज्ञों, डॉक्टर्स की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है दवाइयों का जत्था लेकर। और यहां पर एक मानवीय पहलू भी है, जो आमजन है, जो सबसे पहले अगर कोई भी हादसा होता है तो उसके आसपास के जो गांव वाले होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो सबसे पहले उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और यहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन था, जो फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया, कैसे उसी समय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि हादसे के जिम्मेदारों का पता चल गया है, लेकिन जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद उसकी जानकारी साझा की जाएगी। और अब जो है इस ट्रैक को बिल्कुल रिस्टोरेशन का जो काम है उस पर काफी ज्यादा जो है आप देख सकते हैं कैसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रेल मंत्री स्वयं इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घटना स्थल पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, रिस्टोरेशन का जो पूरा काम है, क्या इसमें जटिल समस्याएं आ रही है और कब तक इसे पूरा किया जा?
कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं विजिट करके गए, साइट का इंस्पेक्शन करके गए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को देके गए। उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रिस्टोरेशन का काम रात भर चलता रहा और अभी भी तेजी से चल रहा है। आसपास के जितने भी डिविजन्स हैं उन सारे के सारे डिविजन्स के ऑफिसर्स को, मशीनों को, मैन पावर को, सबको डिप्लॉय किया गया है और आप देख रहे हैं कि जो एक लाइन है उस लाइन का कंप्लीट रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, ट्रैक होता है, ट्रैक का काम कंप्लीट हो गया है और अभी OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काम चल रहा है। ये तेजी से एक लाइन और ये दूसरी लाइन का भी ट्रैक बनाने का काम ऑलरेडी हो गया है। कंप्लीट जो भी एक्शन लेना है रेस्टोरेशन के लिए, एक एक पॉइंट पे पूरे एरिया को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 8 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट का एक ऑफिसर उसके लिए प्रॉपरली इंचार्ज है। सारे के सारे ऑफिसर्स सबके सब लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रात में 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अभी रेस्ट में गए। अभी 2 सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे दिन में रहेंगे। एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट जिस तरह से रहना चाहिए साइट का उस हिसाब से ओके, जो बुधवार सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन करके नॉर्मलाइज करना है सिचुएशन का, उस टारगेट पे काम कर रहे हैं और जिस तेजी से काम चल रहा है होपफुली उससे बुधवार से पहले पहले हो जाएगा। साथ ही साथ इंक्वायरी का काम भी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, उन्होंने अपना इंक्वायरी का काम भी करीब करीब बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ गए हैं। कल साइट पे आए थे, साइट पे आके जिनके भी स्टेटमेंट लेने थे, जिस कारण से हुआ वो कारण रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है वो जांच जो है उसमें इनिशियल रूट लेवल का जो कारण है उसे पता कर लिया गया। किस तरीके के सर, मतलब ये तकनीकी तौर पर या फिर मानवीय कोई पहलू इसके पीछे है या फिर असामाजिक तत्वों का कुछ अगर इस बारे में? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, संभव है लेकिन उचित नहीं है। अभी जब इंडिपेंडेंट एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद में ही मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन क्लियरली जांच हो गई। कल ममता जी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आने का सर इंतजार रहेगा। एक चीज़ और सर, कल प्रधानमंत्री भी यहाँ विजिट करके गए, जो राहत और बचाव के बाद जो अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनके लिए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, जो जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता या बाहर किसी बड़े अस्पताल में? पूरी की पूरी भारत सरकार इस पूरे रेस्क्यू रेस्टोरेशन मिशन पे लगी हुई है। माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी ऑलरेडी भुवनेश्वर में है, लगातार कल उन्होंने एम्स से टीम भेजी है, दिल्ली से टीम्स आई है, हैदराबाद से टीम्स आई हैं, राज्य सरकार की टीमें भी सब लगी है। इलाज में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी और जितने भी परिजन हैं बहुत ही दुखद परिस्थिति में जो परिजन, उनको साइट पे लाने के लिए, उनको लाने के लिए परिजन स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है, कलकत्ता से, चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से फैमिली रिलेटिव स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है जिससे कि परिजन आ सके। जो हमारा कानून का तरीका है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके हिसाब से डेड बॉडीज का किस तरह से उनको एम्बॉम करके पूरा संवेदना के साथ रखा जा रहा है। एम्स भुवनेश्वर को इसका कंप्लीट सेंटर बनाया गया है और उसके हिसाब से रात में डेड बॉडीज़ को शिफ्ट भी किया गया है ऑलरेडी और शिफ्टिंग का प्रोसेस भी चल रहा है जिससे कि प्रॉपर एम्बॉम होके रह सके, DNA फिंगरप्रिंट जो होता है वो कंप्लीट प्रॉपर हो सके जिससे कि हर परिजन को अपने खोए हुए परिवारजनों का एक जो दुख है उस दुख में
उस दुख में भी एक साइंटिफिक तरीके से उनके पास हम पहुंच सके। सर अंतिम सवाल, सर ये रिस्टोरेशन के वर्क तक क्या आप यहीं पर सर मौजूद रहेंगे? हाँ, मैं रहूंगा जब तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक नहीं रहूंगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि किस तरीके से लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। एक ट्रैक का काम पूरा किया जा चुका है और अब जो बाकी के दो ट्रैक हैं उसको जल्द से जल्द उसको भी रिस्टोर करने का की तैयारी है। और रेल मंत्री का ये कहना है कि जब तक ये ट्रैक पूरा नहीं हो जाता, यहाँ से ट्रेन नहीं गुजर जाती, तब तक वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बालासोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद चल रहे बचाव एवं राहत कार्य के लिए झारखंड से भी अधिकारियों और डॉक्टरों की एक टीम को घटनास्थल पर भेजने का निर्देश दिया है। यह टीम आज हेलीकॉप्टर से रवाना होगी और झारखंड के घायल यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में झारखंड के 30 यात्री घायल हुए हैं और 2 लोग लापता हैं। घायलों में गोड्डा, दुमका, बहरागोड़ा, गिरिडीह और साहेबगंज के लोग शामिल हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालासोर रेल हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कलाकृति के माध्यम से यह संदेश दिया है। लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर कलाकृति के माध्यम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना का संदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बालासोर रेल हादसे के बाद आज भुवनेश्वर का दौरा किया। उन्होंने भुवनेश्वर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती लोगों से मुलाकात की। बाद में श्री मांडविया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम घायलों का समुचित इलाज कर रही है। एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहां उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहां पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। रेल सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रेल बड़े पैमाने पर स्वदेशी विकसित कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य चल रहा है। ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका उन्नत स्वरूप हम लोगों ने टिकास जो कि है, जो कि जिसको आप कवच के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोगों ने 2014-15 में इसका इंडिजिनियसली डिजाइन किया। इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में हमने लगाया, ट्रायल किया, एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुए। जब इसमें खरा उतरा तो फिर इसको पूरा नेशनल वाइड इसका रोल आउट किया गया। इसका हम लोगों ने फिर जो व्यस्ततम मार्ग है हमारे दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, इस पे इसको सैंक्शन किया गया और वहां पे काम चल भी रहा है, जोरों से चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि ये 2024 तक हम लोग इसको लगा लेंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड और राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संजय लाल पासवान को झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अभिलाष साहू, गुलाम अहमद, नितिन अग्रवाल और पवन महतो को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करते हुए जयशंकर पाठक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हृदयानंद मिश्रा, राकेश सिन्हा, अजय नारायण मिश्रा और संजीव तिवारी बोर्ड के सदस्य होंगे। हैदराबाद में आज से G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक होगी। इधर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें पहली प्राथमिकता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रोकथाम से जुड़े उपायों, तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रियाओं को लेकर है। दूसरी प्राथमिकता में दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित
प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। वहीं तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूद वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 के डेलीगेट्स का हाईटेक सिटी हैदराबाद में पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। धनबाद में पुलिस ने विभिन्न मामलों में संलिप्त आपराधिक गिरोह के 9 सदस्यों को हथियार और गोली समेत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनबाद क्षेत्र में जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें खासकर आप लोगों के द्वारा मीडिया में ये बात आई कि ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा किया गया है या किसी गैंग ने अपने आप को उसमें जिम्मेवारी ली, जो खासकर जो दो गैंग यहाँ हैं जिसमें प्रिंस खान और अमन सिंह गिरोह के लोगों ने कई बार अपनी जिम्मेवारी ली कि ये हत्या हमने करवाया, ये घटना, ये फायरिंग हमने करवाया। तो उस घटना में हम लोगों ने हर घटना पर कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, खासकर वो अपराधकर्मी पकड़े गए जो धनबाद से जिनका संपर्क था, जो धनबाद से थे और जिनका धनबाद से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। इधर खूंटी में नक्सलियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। तोरपा में पुलिस ने कल जहां 4 नक्सलियों को पकड़ा, वहीं साइको से भी 2 पीएलएफआई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों नक्सली लेवी वसूलने के इरादे से आए थे, इसी क्रम में पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। टोला में लेवी लेने के लिए आने वाले, सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ खूंटी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आने वाले संभावित रास्ते में वाहन चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के क्रम में एक अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया जो भाग रहे थे। उनके पास से कुछ पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद और अवैध गोली बरामद की गई। उधर पश्चिमी सिंहभूम में भी सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। जिले के टोटो थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान 6 आईईडी और 6 स्पाइक होल बरामद कर उन्हें नष्ट किया गया। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 6 महीने में अभियान के दौरान 165 आईईडी और 26 स्पाइक होल की बरामदगी हुई है। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को लेकर चैंबर भवन में यातायात पुलिस अधीक्षक और चैंबर से जुड़े लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ट्रैफिक को लेकर रांची यातायात पुलिस को कई सुझाव प्राप्त हुए। देखिए, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ये एक प्रयास सामने है। जहाँ पे हम लोग प्राय देख सकते हैं कि स्पेशली जो पीक आवर्स हैं हमारे यहाँ, जैसे मॉर्निंग में 2-3 घंटे या इवनिंग में 2-4 घंटे जो है उसमें ज़्यादा समस्या होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ पहल भी किया है, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ चीफ सेक्रेटरी सर के भी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी सर मीटिंग्स भी हुई है, उसमें कुछ हम लोगों को निर्देश दिया गया है। उस निर्देश को प्राप्त करने के बाद रांची डीसी सर ने भी एक मीटिंग ली है, डिफरेंट जोन्स में शहर को बांटा गया है। बिकॉज सबको ये रियलाइजेशन है कि जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है रांची डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज नॉट अलोन द बेबी ऑफ द रांची ट्रैफिक एसपी, बट देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में जिनकी सहायता हमें मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। जैसे जो लाइन डिपार्टमेंट्स वेरियस हैं, फॉर एग्जाम्पल रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला में उपायुक्त की मौजूदगी में एमडीएम जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने किचन मरम्मति एवं पोषण वाटिका योजनाओं पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुंडित प्रखंड अंतर्गत बागडेहरी आमडोमी सीमा स्थित पुलिया के पास गार्डवाल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
कोडरमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में अमृत सरोवर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने प्रखंडवार तालाब निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार और मानक के अनुरूप सरोवरों का निर्माण तेज गति से कराने के निर्देश दिए। बोकारो उपायुक्त ने जिला परिषद कार्यालय सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अंबेडकर आवास जैसी योजनाओं की समीक्षा की तथा लक्ष्य अनुरूप कार्य में प्रगति लाने एवं अपूर्ण कार्य को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त द्वारा नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक कर नक्शा विचलन के खिलाफ जांच तेज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने राजस्व संग्रहण, नक्शा विचलन के खिलाफ कार्रवाई करने तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण, साफ सफाई और विकास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, पानी कनेक्शन और जलकर को लेकर 7 से 17 जून तक नगर निकायों को कैंप लगाने की हिदायत दी। गिरिडीह समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भक्तिकाल के महान कवि संत कबीरदास को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। श्री मुंडा ने सामाजिक समरसता के उनके कार्यों की सराहना की। गोड्डा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 यूनिट मुफ्त बिजली एवं बिजली बिल ब्याज माफी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर समाहरणालय से ऊर्जा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुमला में नवनियुक्त शिक्षकों की 13 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने सभी शिक्षकों को ईमानदारी पूर्वक समयबद्ध तरीके से बच्चों के भविष्य का निर्माण करने का आग्रह किया। रांची में चल रहे नमो क्रिकेट कैंप का आज चौथा दिन है। सांसद संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस कैंप में बच्चों को पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप खन्ना क्रिकेट के गुर सिखा रहे हैं। पाकुड़ में डीडीसी ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवेदनों के निष्पादन की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने एवं प्राप्त हो रहे आवेदनों को त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। ओडिशा के राउरकेला में 27 जून से 7 जुलाई तक खेले जाने वाली हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के पहले जमशेदपुर में आज ग्रीनथॉन का आयोजन हुआ, जिसमें लौह नगरी के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बस सर का हो गया, मुंह पे मत लगाना, यहीं पे रखिएगा। हाँ सर, एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जागरूकता, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ग्रीनथॉन किया जा रहा है। और सिर्फ आज ही नहीं, हम चाहेंगे लोग साल भर एनवायरनमेंट के प्रति अपना योगदान देते रहें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडिविजुअल अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, ताकि राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज और गोड्डा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 7 जून तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 8 और 9 जून को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इधर रांची में आज सवेरे से धूप छांव का खेल जारी है। वाराणसी में यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रही। समापन समारोह बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। टेक्नो स्टेडियम पवेलियन ग्राउंड में हुआ। बालासोर रेल हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना के साथ ही समापन समारोह को बेहद साधारण रखा गया।
समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग की उपयोगिता पूरी दुनिया समझने लगी है। योग के माध्यम से आंखों को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। की समस्या के लिए हम क्या करें, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे त्राटक की आसान सी क्रियाएं करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं का अभ्यास जब आप करें तो रोशनी आगे से नहीं पड़नी चाहिए, यानी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से रोशनी पड़े तब इसका अभ्यास करें। बहुत तेज हवा में, धूल धक्कड़ में इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। आइए जानते हैं कैसे हम करेंगे त्राटक की ये सुगम क्रियाएं अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। त्राटक के लिए अपने आसन में कमर सीधी करके बैठें, दाएं हाथ को सामने की ओर फैलाएं, अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से पर दृष्टि को टिका दें, दाएं हाथ को दाईं ओर ले जाएं और अपनी आई बॉल्स को भी उसके साथ साथ मूव करें, वापस ले आएं। मेक श्योर कि आपकी गर्दन मूव नहीं करेगी, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगी। हाथ की स्थिति बदल लें और इसी को बाईं तरफ दोहराएं, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगी और फिर वापस ले आए। त्राटक यानी अपलक दृष्टि से किसी चीज को ताड़ना। इस स्टेप को आप 4 बार करें। फिर हम स्टेप 2 कर रहे हैं। इसमें आप अपनी आंखों के जितने नजदीक ला सकते हैं अंगूठे को उतना नजदीक लाएं, फिर दूर ले जाएं। इसी को दूसरे हाथ से रिपीट करें। जब कोई चीज बहुत पास होती है तो भी नजर नहीं आती, बहुत दूर होती है तो भी नजर नहीं आती, इसलिए जहां पर इट इज क्लियरली विजिबल वहां तक होल्ड करना और फिर वापस ले जाना। इस स्टेप को भी 4 बार करेंगे। थर्ड स्टेप के लिए आप अपनी आंखों को टिप ऑफ द नोज पर ले आएं और यहां से एक बड़ा चक्राकार मूवमेंट बनाएं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आई बॉल से हम एक बड़ा चक्र बना रहे हैं। वापस टिप ऑफ द नोज पर आ जाएं, आंख बंद कर लें, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, फिर से टिप ऑफ द नोज पर देखें और अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें, साइड अप साइड डाउन एंड अगेन टिप ऑफ द नोज। ये एक राउंड है, आप अगेन इसको भी 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम अपनी दृष्टि को नासाग्र पर टिप ऑफ द नोज पर टिका देते हैं, यथा सामर्थ्य जितनी देर आप इसे होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, फिर आंखें बंद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य यानी स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर टिका देते हैं, यथा सामर्थ्य रुकना जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, आंख बंद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अपनी आंखों को ब्लिंक करें, एक जगह पर अपने आईबॉल्स को स्थिर कर दें और फिर आंखों को ब्लिंक करते रहें, अपनी हथेलियों की कटोरी बना लें और अपनी आंखों पर टिका दें। मेक श्योर कि आपकी आंखें आपकी हथेली की कटोरी के अंदर खुली रहेंगी, फील द वार्मथ एंड देन जेंटली क्लोज योर आईज और अपने हाथों को हटा दें। बंद आंखों से जो भी रंग दिख रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, कलर मेडिटेशन, यथा सामर्थ्य रुकें और धीरे से आंखें खोल दें। इन क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही यदि संभव हो तो सुबह सुबह उठ करके हरी हरी घास पर अगर आप नंगे पैर चल सकें, यानी जिस घास पर ओस पड़ी हो, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इन छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखें, आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी स्वस्थ होंगी, आप भी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार। बालासोर रेल हादसे के बाद परिचालन दोबारा शुरू करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी। झारखंड के यात्रियों के इलाज और सहायता के लिए ओडिशा भेजी जा रही विशेष टीम। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड और आवास बोर्ड में की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी। धनबाद में पुलिस ने अपराधी गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। खूंटी के सायपुर थाना क्षेत्र से 2 नक्सली पकड़ाए। पश्चिमी सिंहभूम से आईईडी और स्पाइक होल बरामद। और जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व ग्रीन एथॉन का हुआ आयोजन। लोहमेटे के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, धरती को हरा भरा रखने का लिया संकल्प।